चार साल बाद वतन वापसी। मियां नवाज शरीफ का चार्टर तैयारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल। उम्मीद है पाकिस्तान फ्लाइट तकरीबन एक घंटे बाद इस्लामाबाद लैंड करेगी। साबिक वजीर आजम शहर इख्तदार में मुख्तसर क्याम के बाद लाहौर आएंगे। नवाज शरीफ के साथ करीबी रफका समेत 180 अफराद सफर कर रहे हैं। शरीफ खानदान का कोई फर्द हमरा नहीं। इस्लामाबाद आमद पर कानूनी टीम नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी। कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कराए जाएंगे। आजम नज़ीर तारड़ अमजद परवेज ने दस्तावेजात मुकम्मल कर ली। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया, सुरखुरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूं। दुख की बात है कि पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। हालात खराब हैं लेकिन उम्मीद की किरण मौजूद है। सूरत हाल पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। इंतखाबात से मुतालिक वही तरजीह है जो इलेक्शन कमीशन की है। हम 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू, कहा बेहतर होता हालात 2017 के मुकाबले में अच्छे होते। इस्तेराब की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। सोचना चाहिए नौबत यहाँ तक क्यों आई। नवाज शरीफ की वापसी। नून लीग ने मीनार पाकिस्तान पर पिंडाल सजा लिया। कारकुनान की आमद जारी। जलसगा में पार्टी परचमों की बहार। 80 फुट चौड़ा 40 फुट बुलंद स्टेज तैयार। नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ कैबिन भी बन गया। लाहौर समेत कौमी असम्बली के दीगर हलकों के लिए अलग अलग इनक्लेव। कायद का इस्तकबाल, पिशावर, हरिपुर, रावलपिंडी, अटक, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, कसूर, गुजरात, गुजरावाला समेत कई शहरों से काफिले लाहौर की जानिब रवादवा। कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी, ढोल की थाप पर रक्स। और मुस्लिम लीग नून का ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसा। लारी अड्डा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद, बतौर पार्किंग पॉइंट इस्तेमाल होगा। दूसरे शहरों को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं होगी। मुसाफिरों को दूसरे शहर जाने के लिए ठोकर न्याज बेग बस स्टैंड जाने की हिदायत।